करते हैं तो बोलते हैं लोग मनुवादी है, मनुवादी विचार है, ठीक है। और महाराज जी मनुस्मृति की पुस्तक तमाम मार्केट में सही पुस्तक कौन सी है जिसे पढ़ने से? चौखम भाष्य है, दो टीका उनके सही संस्कृत में टीका है, मनुस्मृति का प्रकाशन हुआ है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। चौखम भाष्य हिंदी अनुवाद से वाराणसी से, शायद प्रयाग में भी मिले। मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में 5-6 स्थलों पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र। दूसरा अर्थ होता है मंत्रार्थवित। तीसरा अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। मनु ने जो कुछ कहा है सतपथक ब्राह्मण के अनुसार भेषज है, महौषधि है। वैदिक संविधान के रचयिता मनु हुए। अंग्रेजों ने भी मनुस्मृति के आधार पर शासन किया, जितने अंशों में उतने अंशों में ही उनकी प्रशंसा हुई। कल भी मैंने कहा था शिवाजी के शासन की प्रशंसा होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासन की प्रशंसा होती है, विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा होती है, धर्मराज युधिष्ठिर जी के शासन की प्रशंसा होती है, पृथ्वी जी के शासन की प्रशंसा होती है, राम जी के शासन की प्रशंसा होती है, अम्बरीश इत्यादि महोदय के शासन की प्रशंसा होती है। जिसके जिसके शासन की प्रशंसा होती है उस प्रशंसा के मूल में क्या है? उन्होंने मनुस्मृति जो संविधान है वैदिक उसको क्रियान्वित किया। शासन की हम प्रशंसा करेंगे और जिस संविधान को क्रियान्वित किया शासक ने उस संविधान की निंदा करेंगे कहाँ तक उचित? तो हिंदुओं को दिशाहीन करने के लिए वनवादी कहकर चलाया गया। उसका अभिप्राय है कि वर्णाश्रम निरपेक्ष चाहिए ना शासन तंत्र। कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, वर्णाश्रम निरपेक्ष शासन तंत्र चाहिए, लेकिन शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा स्वच्छता के प्रकल्प संतुलित रूप में समाज को प्राप्त हो 5 विभाग तो बनाने ही पड़ेगा। प्रशिक्षण शिक्षण के बल पर ही बनाएंगे या परंपरा भी चाहिए? इतनी सी बात है ना, 5 तो विभाग बनाने ही पड़ेगा, चाहे अमेरिका हो ब्रिटेन हो। अगर परंपरा से चिर है तो शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर ही 5 विभाग बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति खर्च अधिक होगी, संस्कार का फिर भी आदान नहीं हो पाएगा। पहले दूसरे तीसरे कॉलम में ही लोग भर जाएंगे, चौथे पांचवें कॉलम के लिए कोई बचेगा नहीं, यह सब विसंगति होगी। कल भी मैंने कहा था वैकल्पिक राजवंश ब्रिटेन के लिए वरदान है। एलिजाबेथ या एलिजाबेथ 94 साल की हो गई। वैकल्पिक राजवंश ब्रिटेन के लिए वरदान है और हमारे लिए परंपरा प्राप्त राजवंश अभिशाप है। कौन स्वीकार करेगा बुद्धिमान? आर्थिक दृष्टि से भी वर्णम व्यवस्था को कौन बुद्धिमान कोसेगा? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित और हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त, तो अर्थ की दृष्टि से कोई विकृति आ नहीं सकती है। आर्थिक संतुलन समाज को प्राप्त रहेगा ही। जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति दुर्व्यसन से युक्त हो और जन्म से अर्थ व्यवस्था जीविका की व्यवस्था सुरक्षित ना हो वहाँ आर्थिक दृष्टि से विपन्नता होगी। किस दृष्टि से? कल मैंने उदाहरण दिया था, 1,00,000 विश्वसुंदरी को खड़ी कर दीजिए, सनातन धर्मी होगा, हिंदू होगा, मनवादी होगा, विचार करेगा कि कुल गोत्र शील प्रवर वय ये सबके अनुकूल इससे विवाह करना है या नहीं।
किसी की बहू बेटी को किसी से खतरा नहीं, काम की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, किस दृष्टि से कोई विवेकी वर्णाश्रम को कोसेगा। जब से मैं बोल रहा हूँ यार, तब से तो कहीं से मनुवाद को कोसने वाले दिखाई नहीं पड़ते, सुनाई नहीं पड़ते। अब सबकी बोलती बंद है, पूरे विश्व में सबकी बोलती बंद है, मनु को गाली देने वालों की बोलती बंद हो गई। आगे